बिहार पुलिस ने पीएनबी बैंक से लूट की घटना में दो अपराधी को गिरफ्तार कर किया खुलासा। बिहार के पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत जमुई बाजार स्थित पीएनबी बैंक से 20,48,800 रुपये लूट लिए जाने की घटना को बिहार पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त दो अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य दो अपराधी की पहचान की गई है। सभी अपराधियों द्वारा पटना एवं आसपास के क्षेत्र में लगातार बैंक लूट घटना की गई है। विभिन्न थाना क्षेत्र में भी सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर घटना में लूटी गई रुपये में से 22,08,000 रुपया नगद एवं घटना में प्रयुक्त काले रंग का बैग, टोपी तथा 13 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसकी पुष्टि पटना पश्चिम के नगर पुलिस अधीक्षक ने किया है। दुल्हिन बाजार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ पाली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से दो अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवपुरी में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी। और रीसेंट जो है दुल्हिन बाजार, जैसा आपको बताया, 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएं हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज किया गया, पाया गया कि एक ही गैंग है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत मेंबर चेंज हो रहे थे, बेसिकली एक ही टीम द्वारा ये किया जा रहा था। तो इसमें एसटीएफ का भी काफ़ी सहयोग रहा। एसटीएफ ने जो शेखपुरा वाला इंसिडेंट था उस पर काफ़ी हार्डवर्क किया, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से और टेक्निकल एनालिसिस से जो है उनने एक नंबर जो है वो डेवलप किया। और जैसे ही ये घटना हुई थी दुल्हिन बाजार वाली, उसके अगले दिन ही जो है इसमें जो मेन अभियुक्त हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, जो घनश्याम गिरी के नाम से हैं और शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के, उनको पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पे बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में उनसे जो जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो पाया गया कि उनने सीधा नकारा कि हम ये मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उनने ये बताया कि वो एक ज़मीन के कारोबारी हैं जो शाहपुर थाने में और उसके आसपास के एरियाज में ज़मीन का लेन देन का काम करते हैं। अगले दिन जब डीआईयू टीम द्वारा एक और व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, चांडी थाना से, नालंदा से उनको जो है लाया गया, उनके द्वारा जो इसमें दूसरे अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया, शत्रुघ्न करके जो अभियुक्त हैं वो भी इधर शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पहचान की गई और बताया गया कि इसमें जो मेन टीम लीड हैं वो संतोष उर्फ बकरिया हैं और उनके द्वारा अपने अपराध का भी जो है वो स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ऐसी सिम उपलब्ध कराई गई थी जिसके माध्यम से ये जो है सब इंसिडेंट्स किए जा रहे थे। और इसमें जो पहले आदमी हमने शाहपुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घनश्याम गिरी, वो एक मेन मास्टरमाइंड की तरह इसमें काम किए हैं। फिर वापस उनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया, तब उनके द्वारा और सेपरेटली जब इन दोनों को इंटेरोगेट किया गया तो उनने फिर एक्सेप्ट किया कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक मिलिट्री कलर का टोपी पहना हुआ व्यक्ति है वो संतोष उर्फ बकरिया है। उसके साथ साथ इस उनने ये भी बताया कि वो एक लैंड ब्रोकर हैं और साथ में इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये 4 से 5 बिजनेस पार्टनर हैं, उसमें से एक संतोष उर्फ बकरिया भी उनकी एक बिजनेस पार्टनर है। और घटना का कारण ने ये बताया कि जो वहाँ पे लेन देन हुआ है बैंक उनके द्वारा ज़मीन का, उसमें काफ़ी सारे लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे पैसा देने के लिए। उनका जब फ़ोन देखा गया तो उसमें भी काफ़ी सारे हर दूसरी चैट पे यही जो है वो जिक्र किया गया था कि हमारा पैसा लुटाइए, नहीं तो ये होगा वो होगा। तो क्योंकि इजी मनी उनको दिख रहा था और क्विक मनी दिख रहा था, संतोष उर्फ बकरिया पहले ही एक सीजन्ड क्रिमिनल थे और उनके द्वारा बाकी लड़कों को जो है वो इकट्ठा किया गया और ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया।
संतोष उर्फ बकरिया का अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो आप सभी को याद होगा, फुलवाड़ी थाने में नवंबर 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें मंटू शर्मा को जो है गोली मारी गई थी, उनके पिता को भी गोली मारी गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, उनके भाई को भी गोली लगी थी जो जो है वो सेफली बचे थे। साथ में जो दूसरा इसमें अभियुक्त है शत्रुघ्न, जिसके माध्यम से सिम उपलब्ध की गई थी, उनके पास से जो है करीब 28,000 रुपया उपलब्ध जो है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा करीब 13 जो है वो मोबाइल रिकवर किए गए हैं। और ये भी इंटरोगेशन में पता लगा है कि कुछ रिपोर्टर्स जो थे वो लगातार संतोष उर्फ बकरिया के टच में अभी रहते हैं। तो मेरा यही अपील है ऐसे आम जन से और रिपोर्टर से कि अगर ऐसे लोगों का आप साथ दे रहे हैं तो वो सरासर गलत है। आप या तो पुलिस के साथ हैं या तो आप क्रिमिनल्स के साथ हैं। अगर आप पुलिस के साथ हैं तो ऐसी व्यक्तियों के बारे में आप हमें सूचना दें और हमको जो है इनको गिरफ्तारी करने में मदद करें। धन्यवाद।